हेलो साथियों, परिणाम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम देख रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को। मॉडर्न हिस्ट्री हमने शुरुआत की है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम पढ़ रहे हैं भू राजस्व प्रणाली, ब्रिटिश की भू राजस्व प्रणाली क्या थी, भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, अर्थात लगान करने के लिए जो अलग अलग पद्धति अंग्रेजों ने अपनाई थी उस पद्धति को हम देख रहे थे। इस पद्धति में तीन बातें की गई थी मुख्य रूप से, ऐसे तो चार पांच बातें, बहुत सारी बातें, बहुत तरीकों से अंग्रेजों ने लगान वसूलने का प्रयास किया है। या इजारेदारी प्रथा है जिसको हमने स्थायी बंदोबस्त के साथ ही समझा है। मुख्य रूप से जो बातें हैं वो तीन बातें हैं इसमें। एक थी स्थायी बंदोबस्त, जिसकी चर्चा हमने कल कर ली थी। स्थायी बंदोबस्त, दूसरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और जो तीसरी व्यवस्था है वह है महालवाड़ी व्यवस्था। तीन व्यवस्थाओं की चर्चा हमको इसमें करनी है, जिसकी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बहुत अच्छे से हमने स्थायी बंदोबस्त देखा क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इजारेदारी प्रथा इससे पहले जो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ने चलाई थी उससे क्या दोष थे, उसके बाद क्यों स्थायी बंदोबस्त की ज़रूरत पड़ी, हमने एक एक बातों को डिटेल्स में पढ़ा। इसके प्रॉफिट क्या हुए, इसके लॉस क्या हुए, कंपनी को क्या लॉस हुआ या कृषक को क्या लॉस हुआ, किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, जमींदारों को फ़ायदा हुआ, इन सब बातों पर हमने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की थी इसकी पिछली क्लास में। आप अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं स्थायी बंदोबस्त तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो इनकी भू राजस्व प्रणाली है उसका बेस कहीं ना कहीं स्थायी बंदोबस्त ही है, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो या महालवाड़ी व्यवस्था हो। बस इसमें से कुछ संशोधन करके रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाती है, इसमें से कुछ संशोधन करके महालवाड़ी व्यवस्था बन जाती है। इसका हम जब देखे थे स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी, इसकी सबसे बड़ा जो दोष था इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष था कि इसमें जो एक बिचौलिया वर्ग की उत्पत्ति हो जाती है, एक बिचौलिया वर्ग जो है उभर कर आता है, और वह बिचौलिया कौन होता है, वह होता है जमींदार। जमींदार यह बिचौलिया वर्ग होता है। स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा था यह लागू की गई थी, दो उद्देश्य ही है भू राजस्व प्रणाली के लागू करने की, चाहे वह स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो या महालवाड़ी व्यवस्था हो, इन सब का जो उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं दो ही है, चाहे वह ऑन द पेपर हो या फिर व्यवहारिक बात हो। पहला, कंपनी की आय में वृद्धि। यह इसकी पहली बात है कि यह जो उद्देश्य है इनका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो खास करके रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था में उभर कर सामने आता है, स्थायी बंदोबस्त में वह उद्देश्य जो है अंग्रेजों की स्पष्ट रूप से नहीं थी, कि ये कृषक को भी लाभ पहुंचाना चाहते थे, कृषक को भी लाभ पहुंचाना चाहते थे। अब होता क्या है, जब स्थायी बंदोबस्त होगा जमींदार जो है वह कहीं ना कहीं कंपनी से भी ज्यादा लाभ प्राप्त करता है। कंपनी को तो एक बराबर एक मुश्त राशि मिलती थी स्थायी बंदोबस्त में, जबकि जमींदार क्या करता था, कृषक से चाहे जितना माल वसूल पाए, जितना भी राजस्व वसूल पाए, उसमें से बस कुछ एक स्थायी हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था, बाकी सारा का सारा हिस्सा जमींदार अपने पास रखता था, जिससे जमींदार बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। और यह कहा जाता कि इतने अमीर होने लगे कि ये गांव छोड़कर अब शहर में बसना स्टार्ट कर देते हैं। और जो दूसरा उद्देश्य है, कृषक को लाभ हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि यह किसानों का अत्यधिक शोषण करने लगे। अंग्रेजों ने कहा कि हमको 10/11 हिस्सा चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को देने के बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किसानों से धन वसूला और अपने पास रख लिया।
इससे किसानों को भी अत्यधिक लाभ नहीं हुआ, लाभ अत्यधिक क्या लाभ ही नहीं हुआ, इनको घाटा हुआ और कंपनी की आय में वृद्धि तो हुई, एक स्थिर वृद्धि हुई। एक स्थिर वृद्धि की वजह से यह जो कंपनी चाहती थी कि हम बहुत तेजी से ग्रोथ करें और हमारा जो इनकम है वह हमेशा बढ़ता रहे, वह इसमें स्थिर हो गया। इन सब कमियों को दूर करने के लिए रैयत वाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। अब देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, सॉरी रैयत वाड़ी व्यवस्था क्या है। रैयत वाड़ी व्यवस्था जो है, आप नाम में ही देखेंगे, जैसे स्थाई बंदोबस्त लिखा था तो क्या किया गया था, स्थाई व्यवस्था की गई थी लगान की। लगान की जो है वह स्थाई व्यवस्था की गई थी और जो हमारी कंपनी थी, सॉरी ब्रिटिश कंपनी थी, वह हमारे किसानों से अप्रत्यक्ष रूप से बंधी हुई थी, वह कोई प्रत्यक्ष संवाद नहीं करती थी किसानों से। रैयत वाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, ये रैयत का जो अर्थ है, रैयत का अर्थ होता है किसान, रैयत का जो अर्थ होता है वह होता है किसान, अर्थात किसानों से यहां पर क्या किया गया, एक डील किया गया, एक समझौता किया गया कि आप हमें डायरेक्ट लगान दीजिए। अब ये क्या किए कि रैयत वाड़ी व्यवस्था में, रैयत का अर्थ होता है किसान, इसमें क्या किया गया, ये कंपनी है। अब इन्होंने कहा कि आपसे हम डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, लगान लेंगे, अर्थात जो बीच में बिचौलिया वर्ग जमींदार के रूप में था, जो बहुत अधिक धन लूट रहा था, धन कमा रहा था, अब उसका वर्ग हम क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, अब हम आपसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर लेंगे, एक लगान लेंगे प्रत्यक्ष रूप से। अब इसमें क्या होगा, इन्होंने कहा कि इससे कंपनी को फायदा होगा, क्यों, क्योंकि अब वो बीच में बिचौलिया समाप्त हो गया है। अभी तक क्या था कि जब जब जमींदार अपनी संपत्ति बढ़ाते थे और क्या कहते हैं उनकी पैदावार अच्छी होती थी, तब भी जो कंपनी है उनसे, जमींदारों से अत्यधिक लाभ नहीं ले पाती थी, अत्यधिक राजस्व वसूल नहीं सकती थी, वह एक स्थायी राजस्व लेती थी। लेकिन अब क्या करेगी कंपनी, वह अगर फसल बहुत अच्छी है, किसान बहुत अच्छे हो गए, तो समय समय पर क्या करेगी, लगान की दर बढ़ा देगी, इसमें लगान की दर बढ़ा देगी, यह कंपनी को प्रॉफिट होगा और इसमें किसान को भी प्रॉफिट होगा। किसान को इसलिए प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि अब इसका बिचौलिया जो है बीच में यहां पर, ये पैसा ऐसे ना होकर ऐसे जाता था जमींदार, ऐसे जाता था, पहले किसान से जमींदार लेते थे, फिर जमींदार कुछ हिस्सा जो है अपने पास रखता था और उसके बाद वह क्या करता था, कुछ हिस्सा कंपनी को देता था। इससे क्या हुआ, जो ये बिचौलिया का वर्ग है इसको समाप्त कर दिया गया। अब डायरेक्ट पैसा कहाँ जा रहा है, सीधा कंपनी के पास जा रहा है और समय समय पर कंपनी अपने दरों में परिवर्तन कर सकती है, वो दरों को बढ़ा सकती है और किसान भी जो जमींदारों की दया पर छोड़ दिए गए थे उनको भी फायदा होगा कि उन्हें ज्यादा कर नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही इसमें कहा गया था कि जो किसान होंगे वे अपने जमीन के मालिक होंगे, अपनी अपनी भूमि के स्वामी होंगे। स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में क्या थी कि पूरा जो किसान का क्षेत्र होता था उसका जो मालिकाना हक था वो किसे दे दिया गया था, जमींदार को दे दिया गया था। अब क्या किया गया, किसान को अपनी भूमिका इसमें मालिक बना दिया गया कि आप अपने भूमि के मालिक हैं, आप अपनी भूमि को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप वसीयत के रूप में दे सकते हैं, उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, आप कुछ भी करिए, लेकिन हमें समय समय पर, अपने समय पर हमें क्या चाहिए, समय पर मालगुजारी या लगान, मालगुजारी या लगान आप हमें देते रहिए। यह बात की गई थी, आप हमको क्या करिए, समय समय पर मालगुजारी या लगान हमको देते रहिए, आप अपने भूमि के स्वामी बने रहिए। अब यह जो व्यवस्था है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसका परिचय किसने कराया था,
सबसे पहले कैप्टन रीड साहब ने इसकी बात रखी थी। कैप्टन रीड ने, कैप्टन रीड ने 1792 में, 1792 में इसे लागू किया था। कहां पर लागू किया था? मद्रास के, मद्रास के बारह महल इसको लागू किया था 1792। आप जानते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में आई थी और वह ब्रिटिश राज्य के कुल 19% भूभाग पर थी। कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वह 19% भाग पर थी। कैप्टन रीड ने 1792 में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की क्या बताई थी, 12 महल में इसको लागू किया था। तो इससे कंपनी को लाभ हुआ था, अत्यधिक लाभ हुआ था, स्थायी बंदोबस्त ज्यादा का लाभ हुआ। तो बाद में क्या किया, मद्रास में ही, मद्रास के गवर्नर जो थे गवर्नर कौन था, मुनरो साहब। गवर्नर कौन था? मुनरो साहब। मद्रास के जो गवर्नर थे थॉमस मुनरो, कहीं कहीं पर थॉमस मुनरो भी लिखा होता है, ये लैंग्वेज की बात है। तो थॉमस मुनरो जो है इन्होंने मद्रास में लागू किया था, कब? 1820 में मद्रास में लागू किया था, 1820 में। बाद में धीरे धीरे करके इसे मद्रास, फिर मुंबई जिसे पहले बंबई कहते थे, बंबई, कुर्ग, कुर्ग वह कर्नाटक का क्षेत्र जो है कुर्ग में लागू किया गया था, असम में लागू किया गया। कहां कहां पर लागू किया गया है? जो कैप्टन रीड साहब हैं वे मद्रास के ही एक, कहां पर लागू किए थे? 12 महल में। और मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में 1820 में इसे लागू कर दिया। बाद में इसे बंबई, कुर्ग और असम के भी क्षेत्रों में लागू किया गया वहां के गवर्नर या फिर वहां के सचिवों के द्वारा। तो यह सब किसमें हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। अब आप देख रहे होंगे कि जो किसान है, पहले कंपनी है फिर किसान है, इसमें होता क्या था? कंपनी किसानों से आप प्रत्यक्ष रूप से कर लेती थी, लगान लेती थी, और किसान जो है वो डायरेक्ट रूप से कंपनी को लगान देते थे। शुरुआत में इसकी जो दर थी लगान वसूलने की, लगान की जो दर थी वह 1/3 थी। लेकिन यह स्थायी तो थी नहीं, यह समय समय पर परिवर्तित की जाती रही। लगभग लगभग 1855 आते आते तक, 1855 आते आते तक जो लगान की दर 1/3 हुआ करती थी वह 1/2 यानी 50% से भी अधिक कर दी गई, लगभग 55% तक कर दी गई, 55% तक कर दी गई। अर्थात जो लगान वसूला जाता था वह पूरी उपज का नहीं, इसमें एक व्यवस्था और की गई थी जो स्थायी बंदोबस्त में नहीं थी। स्थायी बंदोबस्त में उपज की मात्रा का लिया जाता था, यहां पर क्षेत्रफल की मात्रा का लिया जाता था, क्षेत्रफल की मात्रा का, भूमि का जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए 2 बीघा क्षेत्रफल है, तो 1 बीघा क्षेत्रफल का जो भी उत्पादन है वह किसको दे दिया जाता था? वह कंपनी को दे दिया जाता था। इसमें क्षेत्रफल के आधार पर समझौता किया गया था। तो बाद में इसमें जब 50% हुआ
तो अब जितना उपज या फिर जितना उनकी आमदनी होती थी उसका आधा तो चला जाता था सीधा कंपनी के पास, आधे में उसको पूरा उनको पूरा वर्ष निकालना है, अनाज भी वापस से फिर से दूसरी फसल लगाने के लिए उसी 50% से ही उनको काम करना है। इससे अब प्रॉब्लम क्या हुई, जो ये बिचौलिया वर्ग कंपनी ने समाप्त किया था जमींदार के रूप में, अब यहाँ जमींदार का जो स्थान है वह कोई और लेगा। क्यों लेगा, अब मान लीजिए कोई वर्ष फसल खराब हो गई, लेकिन अब इन्हें लगान तो देना ही देना, चाहे फसल अच्छी हो या फसल खराब हो, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह किसी भी प्रकार की रियायत देने को तैयार नहीं थी। तो ऐसे में होगा क्या, अब जो ये किसान हैं, अब इनके पास केवल आधा माल बचा हुआ है, आधा तो ये क्या कर चुके हैं, कंपनी को दे चुके हैं। अब जब ये कंपनी को दे चुके हैं, अब यहां से क्या होगा, अब किसी साल मान लीजिए फसल खराब हो गई, अब इन्हें कंपनी को पैसा देना ही देना है, अगर यह कंपनी को लगान नहीं देंगे तो इनकी जो जमीन है वो नीलाम कर दी जाएगी। अर्थात जिस दिन का लास्ट डेट है लगान देने की, उस दिन तक अगर लगान नहीं देते हैं तो किसानों की क्या कर दी जाएगी, जमीन नीलाम कर दी जाएगी, जमीन छीन ली जाएगी, किसी और को दी जाएगी। तो किसान क्या करेंगे, उस समय के जो सबसे धनाढ्य व्यक्ति होंगे उनके क्षेत्र के, जिसे साहूकार या महाजन के रूप में आप कह सकते हैं, उनके पास जाएंगे। अब उनसे क्या करेंगे, उनसे लेंगे कुछ धनराशि, कुछ धनराशि किस रूप में लेंगे, ऋण के रूप में लेंगे। अब कुछ धनराशि ऋण के रूप में जब लेंगे तब क्या होगा, किसानों के ऊपर ब्याज भी बढ़ेगा। अब फिर अगले साल की वही कहानी है, इस साल उन्होंने ऋण ले लिए धनराशि महाजन से और चुकता कर दिया सीधा कंपनी को, इससे किसान को कोई फायदा तो हुआ नहीं। फिर अगली साल आया, क्यों, क्योंकि वो इसी बेस पर धनराशि लेते थे ऋण पर, क्या कहते हैं, किस लिए, कि हम अगली साल अच्छा करेंगे, अगले साल हम चुका देंगे। फिर अगला साल आता है, फिर से वही, जो भी उत्पादन होता है पूरे क्षेत्र का उसका आधा तो कंपनी ले जाती है, आधा बचता है, उस आधे में से उन्हें अपना घर का खर्च देखना है, बच्चों को देखना है, साथ में ही खाना भी देखना है, उसके साथ साथ क्या देखना है कि अगले फसल की तैयारी भी उन्हें इसी फसल में से, इसी धनराशि में से करनी है, और साथ ही साथ उन्हें ऋण भी चुकता करनी है जो वो ऋण ले लिए हैं। अब क्या होगा, अब उनका यही खर्च नहीं निकल रहा है कि वह पूरे साल घर का खर्च चला लें, बच्चों की देखभाल कर ले, परिवार का देखभाल कर ले, अगले साल के फसल की व्यवस्था कोई सुनिश्चित कर ले, तो वे ऋण कहाँ से चुकाएंगे, और वे ऋण नहीं चुका पाते हैं। अब जब ऋण चुका नहीं पाएंगे और ब्याज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मजबूरी में उन्हें कई बार दोबारा भी ऋण लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अगर वे कंपनी को टाइम पर लगान नहीं देंगे तो उनकी जमीन को नीलाम कर दी जाएगी। तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि जो ये ऋण महाजन ने दिया था, साहूकार ने दिया था, जो ये साहूकार ने दिया था ऋण, इसके पास इतनी धनराशि इकट्ठा हो जाएगी कि अब ये क्या करेगा, जो ये धनराशि ऋण में दिया था किसान को, ये जो साहूकार ने किसान को ऋण दिया था, अब कहेगा कि अब आप मेरा पैसा नहीं चुका सकते, अब आप अपनी जो जमीन है, जो भूमि है, वह मुझे दे दीजिए। किसान क्या करेंगे, मजबूरी में अपनी भूमि वह साहूकार को देंगे, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर ऋण इतना ज्यादा हो गया, वो ऋण जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि आमदनी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका ऋण बढ़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो बिचौलिया वर्ग अंग्रेजों ने समाप्त करने की कोशिश की थी जमींदार के रूप में, उसका स्थान कौन ले लेता है, साहूकार ले लेता है। साहूकार जब ले लेगा, अब साहूकार धीरे धीरे और धनाढ्य होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वह भूमि का मालिक बनने लगा, बहुत सारे लोग उसके यहाँ से ऋण लेते थे, और वह धीरे धीरे इतना ज्यादा ऋण हो जाता था कि किसान चुकता नहीं कर पाते थे और अपनी भूमि साहूकार को बेच देते थे। तो यह जो दोष उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की थी, वह दोष फिर से कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है यह जो लगान की दर थी, बाद में 50% कर दी जाती है, 50 से 55% कर दी जाती है। यह हुई रैयतवाड़ी की बात। आपने देखा
स्थायी बंदोबस्त में तीन वर्ग काम कर रहे थे। सबसे ऊपर कंपनी थी, फिर बीच में जमींदार था, फिर किसान था। जमींदार जो थे वो किसानों से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए थे और वह अपने किसानों से राजस्व वसूल करके कंपनी को देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ ही होता है किसान। किसानों से कंपनी ने सीधा संपर्क साधा और कहा कि हम आपसे डायरेक्ट पैसा लेंगे, आप हमको लगान दीजिए और हम इसके बदले में क्या करेंगे, बदले में क्या देंगे, खैर यह क्या किए कि हम आपसे डायरेक्ट जब पैसा लेंगे तो जो बीच का बिचौलिया है जमींदार वह वर्ग समाप्त हो जाएगा, आपका शोषण नहीं होगा। इनकी व्यवस्था तो पेपर में अच्छी थी, लेकिन वही इनका जो दर इतना ज्यादा हुआ करता था कि अब इन्हें किसान को जो जमींदार थे उनसे हटकर साहूकार के पास जाना पड़ा और फिर से वही एक बिचौलिए का वर्ग तैयार हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लागू किसने किया था, थॉमस मुनरो या कैप्टन रीड साहब ने इसको लागू किया था, और दर कितनी थी, शुरुआत में 1/3 थी, बाद में यह बढ़कर 1/2 अर्थात 50% हो जाती है। लागू कहाँ कहाँ हुआ था, सबसे पहले यह जो कैप्टन रीड हैं वे 12 महल में स्टार्ट करते हैं 1792 में, बाद में पूरे मद्रास में 1820 में थॉमस मुनरो साहब लागू करते हैं, बाद में बंबई कुर्ग और असम के क्षेत्र में भी यह लागू हो जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में यह बात की गई। अब रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, यह जो मद्रास या फिर 12 महल का क्षेत्र बंबई कुर्ग असम है, यह ब्रिटिश राज्य का कुल कितना प्रतिशत था, कुल 51% था, कुल कितना था 51% था। अर्थात हमने स्थायी बंदोबस्त में देखा था कि ब्रिटिश राज्य का कुल 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वह ब्रिटिश राज्य के कुल 51% भूभाग पर लागू की गई थी, 51% भूभाग पर लागू की गई थी। अब देखिए, जो 19% भूभाग पर क्या था, स्थायी बंदोबस्त था, 51% भूभाग पर क्या था, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, दोनों को मिला लो तो यह हो गया 70%। 70% भूभाग पर अंग्रेजों ने क्या कर ली है, भू राजस्व प्रणाली लागू कर दी है। अभी भी 30% जो भूभाग है वह बचा हुआ है, अब उसकी बात किसमें की जाएगी, महलवाड़ी प्रथा में की जाएगी। अगली जो बात है वह है महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा में क्या किया जाता है, यह भी बिल्कुल स्थायी बंदोबस्त की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको समझते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था यह बिल्कुल स्थायी बंदोबस्त की तरह है। इसमें क्या होता है, महल का अर्थ ही समझिए आप, महल का अर्थ होता है, ये जो महल शब्द लिखा है, इस महल का शब्द होता है पूरा क्षेत्र या गांव या ग्राम, जो भी आप कह लीजिए। महल का अर्थ होता है एक पूरा क्षेत्र या एक कोई गांव या एक कोई ग्राम है, एक कोई जगह का है, उसको पूरा का पूरा क्या कहते हैं, महल व्यवस्था कहते हैं या महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, जब उसमें उससे रिलेटेड कोई कार्य किया जाता है। महल का अर्थ होता है पूरा क्षेत्र या गांव। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, अब इनकी दो प्रणालियां चल पड़ी, एक स्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर लागू की गई, इसमें कौन कौन से थे, इसमें तीन लोग थे, ये कंपनी थी, फिर ये जमींदार थे, उसके बाद यहां पर किसान थे। कंपनी और जमींदार का प्रत्यक्ष संवाद होता था, जमींदार और किसान का प्रत्यक्ष संवाद होता था। यह जो था यह एक बिचौलिए के रूप में कार्य करता था, कौन, जमींदार। यह किसकी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी। फिर आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था।
रैयत वाली व्यवस्था में क्या होगा, कंपनी होगी, कंपनी के बाद किसान थे, इसमें कंपनी और किसान का प्रत्यक्ष संवाद था, लेकिन बाद में चलकर ऑटोमेटिक ही अपने आप ही स्वतः रूप से ही क्या होता है, यहां पर एक साहूकार यानी एक और बिचौलिए का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगान की दर इतनी अधिक थी कि किसानों को साहूकार से ऋण लेना ही पड़ता था। अब महालवाड़ी क्षेत्र में क्या होगा, महालवाड़ी क्षेत्र में एक पूरा समझौता किया जाएगा किसी एक से समझौता किया जाएगा कि आप पूरे गांव या इस पूरे क्षेत्र का हमको क्या करिए, लगान दीजिए। मान लीजिए यह कोई क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, अब क्या होगा, अंग्रेज यहां पर आए कंपनी लेकर, बोले कि हम इनमें से किसी एक बंदे को चुनते हैं, मान लीजिए इसे, ये क्या करेगा, पूरे क्षेत्र का जो लगान है वह वसूल करके हमको देगा। जिसे क्या कहते, कौन चुनेगा, गांव के लोग चुनेंगे, कौन चुनेगा, गांव के लोग या क्षेत्र निवासी, गांव के लोग क्या करेंगे, क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, चुनेंगे जिसे, जिसे क्षेत्र के लोग चुनेंगे वो हमें क्या देगा, लगान देगा। यह कौन कह रहा है, कंपनी कह रही है। आप ध्यान दीजिए, जब हम स्थाई बंदोबस्त बताए थे हमने कहा था कि एक पूरा कोई क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में बहुत सारी जमीनें होंगी, जमींदार आएगा, एक व्यक्ति को अंग्रेज लेकर आकर बैठाएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति रहेगा, यह यहां का क्या कहा जाएगा, जमींदार कहा जाएगा। अब जमींदार का काम क्या होगा, यह पूरे क्षेत्र के लोगों से क्या करेगा, लगान वसूलेगा, और लगान वसूल करके किसको देगा, या सीधा सीधा कंपनी को देगा। यही बात हमने की थी स्थाई बंदोबस्त में भी, और सेम वही बात यहां पर की गई है, क्या कहते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होगा, एक कोई क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र का किसी एक को मुखिया बनाया जाएगा, और वो मुखिया क्या करेगा, उस पूरे क्षेत्र के लोगों से लगान वसूल करके कंपनी को देगा। इन दोनों बातों में सिर्फ एक बात का अंतर है, यहां पर जो जमींदार होता था उसे इस पूरी जमीन का स्थाई मालिक बना दिया जाता था, क्या बना दिया जाता था, स्थाई मालिक बना दिया जाता था, भूस्वामी बना दिया जाता था, लेकिन जो यहाँ का मुखिया होगा उसे भूस्वामी नहीं बनाया जाएगा। बस यही एकमात्र अंतर है इस व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था में और स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था में, जो जमींदार और क्या कहते हैं मुखिया की बात है। हालांकि इसमें जो है क्या नहीं किया गया है, स्थाई नहीं किया गया लगान की दर, यहाँ पर लगान की दर को क्या किया गया था, स्थाई कर दिया गया था। यह मूल अंतर है महालवाड़ी व्यवस्था और किसके बीच में, स्थाई बंदोबस्त के बीच में। अब क्या होगा, सबसे पहले अब यहां पर जब अंग्रेज क्या कहते हैं, क्या किए, एक व्यक्ति को बोले कि आप इसे चुन लीजिए, आप इसे जब चुन लेंगे तो क्या होगा, अब वह हमें धनराशि वापस कर देगा। और अगर कोई व्यक्ति लगान नहीं दे पाता है तो आप उसकी जमीन को नीलाम कर सकते हैं, आप उसको उसकी जमीन से बेदखल कर सकते हैं। यानी मुखिया को जो पावर दिया गया था, मुखिया का पावर था इतना कि वह जिस व्यक्ति से लगान लेना था अगर वह नहीं दे पाता था तो उसे जमीन से बेदखल कर देता था। क्या कर देता था, बेदखल हटा देता था। इस पावर का मुखिया ने इतना ज्यादा दुरुपयोग किया कि जो व्यवस्था यहां पर थी कि हम बिचौलिया, देखिए क्या कहते हैं, यहां पर भी बिचौलिया का काम कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है। फिर
रैयत वाड़ी में बिचौलिया अपने आप आ जाता है, स्वतः रूप से आ जाता है वह साहूकार के रूप में, और महालवाड़ी व्यवस्था में फिर से क्या कहते हैं बिचौलिया को इंट्रोड्यूस किया गया, इस बार जमींदार के रूप में ना होकर मुखिया के रूप में किया गया, गांव के मुखिया के रूप में किया गया। यह कंपनी हो गई, कंपनी ने कहा ये कोई मुखिया है जिसे गांव के लोगों ने ही चुना है, वो क्या करेंगे गांव के लोगों से, मुखिया जो है गांव के लोगों से क्या करेगा, लगान वसूलेगा और कंपनी को देगा। यह मुखिया जो है यह कहीं ना कहीं फिर से बिचौलिए का काम कर रहा है, और इसकी जो पावर है कि जमीन से बेदखल कर देगा, इसका वह इतना दुरुपयोग करता है कि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और बहुत ही धनाढ्य बन जाता है। इसको जो लागू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में लागू किया गया था, इस व्यवस्था को 1822 में लागू किया गया था। लागू कौन किया था, लागू कौन करेगा, हॉल्ट मैकेंजी लागू करेगा, हॉल्ट मैकेंजी लागू करेगा। हॉल्ट मैकेंजी से लागू करेगा। हालांकि महालवाड़ी जो व्यवस्था है इसका परिचय जो है 1819 में ही करा दिया जाता है, लेकिन 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने इसे लागू किया था। लागू कहां करेगा, लागू कहां करेगा, अभी हमने बताया कि 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त, 51% भाग पर रैयतवाड़ी, बचा कितना प्रतिशत, 30% बचा जहां पर ब्रिटिश शासन कर रही थी, पूरे भारत की बात नहीं है, जहां पर ब्रिटिश का शासन था उसकी बात हो रही है, तो बचा कितना 30%। 30% में कौन है, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत ही आज का उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रांत और तीसरा पंजाब। आप कह सकते हैं पश्चिमोत्तर जो भाग है, पश्चिमोत्तर का जो भाग है, पश्चिम और उत्तर का जो भाग है पश्चिमोत्तर, इस भाग में लागू किया गया था किसे, महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में। इसमें भी क्या होता है 1855 आते आते तक जो लगान की दर है या 1855 में आते आते तक 50% तक पहुंच जाता है। हालांकि अनुमान यह लगाया जाता है कि जो सबसे ज्यादा उच्च दर इसकी होती है वह 50% नहीं 80% तक होती है। 80% का मतलब अगर आपकी आमदनी 10 रुपए है, उस 10 रुपए में से 8 रुपए कंपनी को जाएगा, 2 रुपए किसान को रखना है, यानी 100 में से 80 किसान को देना है, 80 कंपनी को देना है, 20 किसान अपने पास रखेगा। यह इतना ज्यादा लगान थी, यह अनुमानित है, हालांकि यह तथ्य मिलता है 1855 तक 50% क्या करते हैं कर लगान कर दिया गया था महालवाड़ी व्यवस्था में। महालवाड़ी व्यवस्था और जो जो स्थायी बंदोबस्त है, जमींदारी बंदोबस्त है, वह कुछ एक जैसा ही था। यह हुई महालवाड़ी व्यवस्था की बात। एक बार हम देख लेते हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स जो हैं इन तीनों व्यवस्थाओं में पटाख से, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हम एक दूसरे से तीनों को रिलेट भी कर पाएंगे। ये स्थायी बंदोबस्त है, ये रैयतवाड़ी है, और ये महालवाड़ी। क्या होगा, स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ, 1793 में, किसके द्वारा, कार्नवाल, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया था। कितने प्रतिशत भूभाग पर ब्रिटिश राज्य के,
19% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। इसमें क्या किया गया था, लगान की दर स्थाई कर दी गई थी, कितना 10/11 कंपनी रखेगी और 1/11 जमींदार रखेगा। रैयत वाड़ी व्यवस्था जो है अभी हमने पढ़ा था, कब लागू हुआ था, 1792 में कैप्टन रीड साहब ने लागू किया था, 1820 में मुर्रो साहब ने लागू किया था। और फिर क्या होगा, यह पूरे ब्रिटिश राज के पूरे भूभाग के 51% भूभाग पर लागू था। और इसमें क्या था, जो लगान की दर थी वो स्थायी नहीं थी, लगान की दर स्थायी नहीं थी। लगान की दर कितनी थी, शुरुआत में 1/3 थी, अंत में कितनी कर दी गई थी, 1/2 यानी 50% कर दी गई थी। फिर महालवाड़ी प्रथा जो है यह कब आएगी, 1822 में आएगी। लागू कौन करेगा, हॉल्ट मैकेंजी करेगा, हॉल्ट मैकेंजी करेगा। फिर यह कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी, 30% भूभाग पर लागू थी। लगान की जो दर है वह क्या होगी, लगान की दर 50% तक होगी, 50% होगी। फिर इसमें बिचौलिया कौन है, जमींदार है। इसमें बिचौलिया के रूप में कौन होता है, साहूकार। इसमें बिचौलिया के रूप में कौन होता है, मुखिया। अर्थात तीनों में बिचौलिया आता है, जिसको रोकने के लिए यहां व्यवस्थाएं अलग अलग रूप से लागू की गई थी। आई होप आप लोगों को जो भू राजस्व प्रणाली है अंग्रेजों की, ब्रिटिश राज की, वो आपको समझ में आई होगी। हमने जो तीनों मुख्य भू राजस्व प्रणाली थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, उसकी चर्चा आपके सामने की। हमने कोशिश किया, जो हमने स्थायी बंदोबस्त कुछ दिन पढ़ाया था, उसको आज के जो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था है उससे रिलेट करके समझाने की कोशिश की, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, आगे हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसके आगे की क्या व्यवस्था होती है अंग्रेजों की। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।